हामी भर दी है। पाकिस्तान विनय संधि कानून के तहत काउंसलर एक्सेस मुहैया कराएंगे। चार्टर्ड प्लेन नहीं कमर्शियल फ्लाइट से अमेरिका जाएंगे इमरान खान। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान 21 जुलाई को अमेरिका की यात्री जा रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक फिजूल खर्ची रोकने के लिए इमरान खान चार्टर प्लेन नहीं कमर्शियल फ्लाइट से अमेरिका जाएंगे इमरान खान। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान 21 जुलाई को अमेरिका की यात्रा पे जा रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक फिजूल खर्चे रोकने के लिए इमरान खान चार्टर प्लेन के बजाय कमर्शियल फ्लाइट से यूएस जाएंगे। के जारी विवाद के बीच व्यक्ति ने खुद को लगाई आग। दक्षिण कोरिया में एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि व्यक्ति ने सोल और टोक्सो के बीच बढ़ते व्यापार विवादों के बीच सोल में जापानी दूतावास के सामने खुद को आग लगा ली। प्रेम में गद्दी छोड़ने वाले मलेशिया राजा ने रूसी पत्नी को दिया 3 तलाक। रूसी ब्यूटी क्वीन से प्रेम के कारण मलेशिया के राजा सुल्तान मोहम्मद बिन ने जनवरी महीने में गद्दी छोड़ दी थी। अब पूर्व राजा ने रूसी पत्नी को 3 तलाक दे दिया है। पिछले साल नवंबर में मॉस्को में सुल्तान मोहम्मद बिन और ओक्साना की शादी ने मलेशिया लोगों को स्तब्ध कर दिया था। किया आग्रह
जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वो इस मुद्दे पर चीन के साथ चर्चा करे और इस समस्या का समाधान निकाला जाए। सलमान की दिव्यांग फैन ने अपने पैर से बनाई उनकी हूबहू स्केच। आज हम आपको भाईजान की ऐसी फैन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके हाथ नहीं बल्कि पैर से स्केच बनाई है। शायद सलमान को अपने फैन की तरफ से मिला अब तक का सबसे बड़ा कीमती गिफ्ट था। प्रियंका हुई ऑप्स वुमेन का शिकार, गाना गाते समय नीचे खिसकी ड्रेस। प्रियंका चोपड़ा पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, पर इस बार में अपने नीचे खिसकती ड्रेस को लेकर चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रियंका जोनस ब्रदर का सकर सॉन्ग गा रही है, तभी उनकी ड्रेस साइड से खिसकने लगती है। इस फोटो के सामने आने के बाद से प्रियंका ट्रोल्स के निशाने पर आ गई। आईसीसी जी बॉम्बे क्रिकेट बोर्ड को किया निलंबित। सरकारी हस्तक्षेप को खत्म करने में नाकाम रहने पर जी बॉम्बे क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आईसीसी ने क्रिकेट में लागू किए दो नियम। आईसीसी ने क्रिकेट में कुछ नए नियमों को लागू करने के लिए मंजूरी दी है। मैच के दौरान धीमी गति से ओवर फेंकने वाले पर अब सिर्फ टीम के कप्तान हो नहीं बल्कि पूरी टीम को ही इसकी सजा मिलेगी। वही मैच के दौरान गेंद से चोटिल खिलाड़ी की जगह दूसरा खिलाड़ी रख सकते हैं। धोनी को भेजा मैसेज, संन्यास मत लेना। कपिल देव ने खुलासा किया कि धोनी के संन्यास की खबरों के बीच उन्होंने धोनी के मोबाइल पर मैसेज भेजा जिसमें लिखा कि आपको रिटायर नहीं होना चाहिए, सिर को गरम ना होने दे, ये एक पूर्व क्रिकेटर के तौर पर संदेश है। क्रिकेट के भगवान को मिला एक और सम्मान। भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक और सम्मान दिया है। दरअसल सचिन को आईसीसी ने क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। सहवाग का धोनी के संन्यास पर बड़ा बयान। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह संन्यास कब ले। अजरुद्दीन लड़ेंगे हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव। भारतीय क्रिकेट टीम पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने गुरुवार को कहा कि जब भी चुनाव हुए तब वह हैदराबाद क्रिकेट संघ SCA में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। MNS News Live की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें।